दोस्तों, आप सभी को ओलंपिक गेम तो बहुत पसंद होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये ओलंपिक गेम कहाँ से शुरू हुआ है और इस गेम का नाम ओलंपिक कैसे पड़ा? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस ओलंपिक गेम के बारे में। दोस्तों, ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। पुराने समय में शांतिपूर्ण अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ था। शुरुआती दौर में इस ओलंपिक खेल में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे। इसमें से सबसे पहले प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धा को खेलों में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता था। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक ही क्यों पड़ा। प्राचीन काल में यह खेल ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। यह खेल ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। इस खेल की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के दौरान शहरों और राज्यों के बीच लड़ाई तक स्थगित कर दिए जाते थे। इन खेलों में लड़ाई और घुड़सवारी काफ़ी लोकप्रिय खेल थे। तमाम सुविधाओं की कमी, आयोजन की मेज़बानी की समस्या और खिलाड़ियों की कम भागीदारी, इन सभी समस्याओं के बावजूद भी धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब होता गया। आपको बता दें कि प्राचीन ओलंपिक खेल के विजेता को कविता और मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक खेल हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले बहु खेल प्रतियोगिता है। 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग ओलंपिक में अब तक का सबसे अच्छा आयोजन माना गया है। 15 दिन तक चले ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने न सिर्फ अपनी शानदार मेजबानी से लोगों का दिल जीता, बल्कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भी जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने भी ओलंपिक के इतिहास में पहली बार 1928 में स्वर्ण पदक जीता और उसे पहली बार एक साथ 3 पदक भी मिले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ओलंपिक से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए नवदीप टुडे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।